देखिए दोस्तों, अगर आपने आरआरबी रेलवे एनटीपीसी उसी के साथ ही साथ रेलवे ग्रुप डी के पदों के लिए आवेदन किया है या आप रेलवे में आगामी दिनों में आने वाली भर्तियों का इंतजार कर रहे, तो आप सभी के लिए अब तक की सबसे बड़ी खबर आई है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और रेल मंत्रालय की ओर से इस पर कंफर्मेशन आ चुका है। जी दोस्तों, रेल मंत्रालय का सबसे बड़ा फैसला, रेलवे में नए पदों पर नहीं होगी भर्ती। आरआरबी एनटीपीसी और आरआरसी ग्रुप डी की जो नियुक्ति है 2022 तक होगी। जी दोस्तों, सबसे बड़ी खबर जिसकी वजह से इन पदों के लिए आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों में असंतोष है, सबसे बड़ी खबर आई है और सबसे इंपॉर्टेंट खबर है जिसे हर एक अभ्यर्थियों को जानना आवश्यक है। इस वीडियो को बिना काटे पीटे अंत तक देख लीजिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। रेलवे में नए पदों पर नहीं होगी भर्ती, सभी को किया फ्री। जिन पर परीक्षाएं अभी तक नहीं हुई उन पदों का भी किया जाएगा रिव्यू और इसका भी आरआरबी एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी परीक्षा पर असर पड़ने वाला है। जी दोस्तों, इस वीडियो को आप लाइक करो या ना करो, लेकिन इस वीडियो को शेयर करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन पर क्लिक कर दीजिए। रेलवे में फिलहाल नए पदों पर भर्ती नहीं होगी, रेलवे ने नई पोस्टों को फ्रीज कर दिया है। साथ ही जिन पदों पर रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से परीक्षाएं आयोजित नहीं की गई है उन्हें भी रिव्यू करने का निर्णय लिया गया है। या दोस्तों, ये सब खर्चों को कम करने के लिए किया जा रहा है। रेल मंत्रालय का सबसे बड़ा एक्शन प्लान जिसकी वजह से छात्रों की परीक्षाओं पर असर पड़ेगा। रेल मंत्रालय ने सभी बोर्ड के महाप्रबंधकों को निर्देश दिए हैं और जिसके अनुसार क्या किया जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हो, रेलवे में रीएंगेज स्टाफ की समीक्षा कर अनावश्यक स्टाफ को कम कर दिया जाएगा। सुरक्षा कोटी को छोड़कर नए पदों पर भर्ती को फ्रीज किया जाएगा। गत दो वर्षों में जो पद सृजित हुए हैं उन पर यदि भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है तो वो उन पदों की समीक्षा करते हुए पदों को विसर्जित करने की कार्रवाई की जाएगी। कारखानों में कामकाज और इंसेंटिव की समीक्षा होगी। रेलवे आरक्षण कार्यालयों की संख्या को कम कर यहां से कर्मचारियों को अन्यत्र स्थानों पर समायोजित किया जाएगा। मल्टीटास्किंग करते हुए कर्मचारियों का अधिकतम उपयोग किया जाएगा। जिया दोस्तों, यह निर्देश रेल मंत्रालय ने सभी रेलवे भर्ती बोर्ड के महाप्रबंधकों को दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी एग्जाम पर भी असर पड़ेगा। दोस्तों, रेल मंत्रालय के निर्देश के अनुसार आरआरबी रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के पदों में कटौती हो सकती है, वैकेंसी को डिक्रीज किया जा सकता है। जी दोस्तों, इसी साल के अंत तक आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम को कंडक्ट किया जाएगा, ऐसी खबर रेल मंत्रालय ने दी है। अगर आप आरआरबी एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए बेस्ट बुक अवेलेबल हो चुकी है। इस बुक की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस बुक में आपको 20 टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप इस बुक को बड़े ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।